दोस्तों ये हुंडई वेन्यू का ना ही टॉप वेरिएंट है ना ही सेकंड टॉप वेरिएंट है, ये बेस से सेकंड वेरिएंट यानी बेस के ऊपर वाला वेरिएंट है। और इसमें चेक करिए तो रियर वाइपर देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं, 16 इंच के एलॉयज की तरह दिखने वाले व्हील्स मिल जाते हैं, एडवांस ट्रांसमिशन, पावरफुल पेट्रोल इंजन और भी बहुत कुछ दे रखा है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हुंडई वेन्यू एस ऑप्शनल वेरिएंट आईएमटी टर्बो पेट्रोल इंजन की, जिसकी कीमत है 10,43,500 एक्स शोरूम और ये ऑन रोड यूपी में पड़ती है लगभग 12,36,000 रुपीज़ की। चलिए एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे अगर आप इस गाड़ी को लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या कुछ इसमें मिलेगा। देखिए इसके अगर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इस गाड़ी के इंजन की, क्योंकि इसमें जो इंजन दिया हुआ है ये 1 लीटर का टर्बो GTI पेट्रोल इंजन है जो कि 998 cc का है, लेकिन दोस्तों ये पावर बना लेता है 120 PS की और टॉर्क है 172 Nm का। माइलेज भी अराउंड इसका क्लेम किया गया है 18.5 km/L में। और दोस्तों ये है BS6 फेज 2 के हिसाब से इंजन इसका डिज़ाइंड है, तो ये E20 फ्यूल को भी सपोर्ट करता है। अब चलिए बात करते हैं फीचर्स की, तो देखिए ये है इस गाड़ी का फ्रंट लुक। अब देखिए यहाँ पे इसकी ग्रिल तो खबी में यानी बेस से लेके टॉप तक सभी वेरिएंट में जो है डार्क क्रोम कलर की दे रखी है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आपको मिल जाते हैं LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, वाइट कलर की लाइट, बढ़िया क्वालिटी की लाइट्स हैं, नाइट में अच्छी विजिबिलिटी देती हैं। और इतना ही नहीं, जिस साइड पर गाड़ी को टर्न करेंगे उस साइड भी फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें कॉर्नरिंग लैम्प फीचर भी दिया हुआ है। सराउंड आप इसमें DRLs की चेक कर सकते हैं। बाकी नीचे की तरफ स्किड प्लेट्स देख लीजिए सिल्वर कलर की दी हुई है। चलिए बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, और साइड में सबसे पहले आपको चेक कराएंगे इस गाड़ी के व्हील्स, क्योंकि एस ऑप्शनल जब आप टर्बो IMT परचेस करेंगे तो इसमें मिल जाते हैं स्टाइलिश व्हील्स। ये डुअल टोन के स्टाइलिश व्हील्स आप चेक कर सकते हैं। इनको मैं स्टाइलिश व्हील्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर जहाँ जहाँ पे व्हील कैप्स का आप ये कट चेक कर रहे हैं उस साइड पे देखिए अंदर की तरफ स्टील नहीं दिख रहा है, तो ये एक तरीके से एलॉय का लुक देते हैं, बट ये एक्चुअल में है फाइबर कैप्स, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर हम व्हील साइज़ की बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 215/60 R16 इंच के ये व्हील सेक्शंस इसमें मिलेंगे। इसके अलावा साइड में इंडिकेटर्स जो है मिरर्स पे दे रखे हैं, क्लैडिंग्स, डोर क्लैडिंग्स आप इसमें चेक कर सकते हैं। टॉप में देखिए तो रूफ रेल्स दी हुई हैं। तो साइड के बाद आ जाते हैं इस गाड़ी के बैक साइड में, और बैक में भी देखिए तो यहाँ पे आपको LED कनेक्टिंग लैंप्स मिल जाएंगे जो कि इस गाड़ी को खूबसूरत बनाते हैं। साथ में देखिए ऊपर की तरफ रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर्स दिया हुआ है। सार्फिन एंटीना भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। पीछे की तरफ जब चेक करेंगे तो जहाँ पे नंबर प्लेट लगती है उसके ऊपर देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिवर्स पार्किंग कैमरे का लेंस और 2 पॉइंट सेंसर्स इसमें दिए हुए हैं। ये गाड़ी टर्बो पेट्रोल इंजन पे है, तो देखिए यहाँ पे टर्बो की मार्किंग भी यानी एम्बलम भी दिया हुआ है। तो एक्सटीरियर से दोस्तों हमने इस गाड़ी को चेक कर लिया है, चलिए बात करते हैं इंटीरियर्स में और कुछ चीज़ें दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी के बूट की, तो ये देखिए 350 लीटर का बूट स्पेस वेन्यू में आता है, जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए दोस्तों। यहाँ पे अगर हम वेन्यू की बात करते हैं तो 2023 में टाइम टू टाइम कई सारे लेटेस्ट अपडेट्स आई, कई सारे चेंजेस किए, उसी चेंज का एक पार्ट है 60-40 स्प्लिट सीट। तो यहाँ पे जो है अब ये 60-40 स्प्लिट सीट स्टैंडर्ड करी गई है, तो बूट को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं पार्ट वाइज सीट्स को बेंड करके। मैं दोनों पोर्शन सीट को बेंड करके आपको दिखा देता हूँ कितना बड़ा ये देखिए स्पेस निकल के आ गया। इसके अलावा बात करेंगे हम इसके स्पेयर व्हील की, तो वो देखिए इधर नीचे तरफ रखा हुआ है। ये स्पेयर व्हील जो है बाकी व्हील्स की तरह नहीं दिखेगा, क्योंकि ये स्टील कट पे ना देके ये फुल स्टील पे दिया हुआ है, और साइज़ भी यहाँ पे थोड़ा सा वेरी कर रहा है, थोड़ा सा डिफर है। देखिए बाकी व्हील 16 इंच के हैं, बट स्पेयर व्हील जो है वो 15 इंच का दिया है, यानी 1 इंच छोटा आपको इसमें स्पेयर व्हील मिलता है। तो एक तरीके का ये एमरजेंसी व्हील हो गया। इसके अलावा बूट लैंप दोस्तों ये वेरियंट कवर नहीं करता है। चलिए इन चीज़ों को जरा वापस अपनी जगह रख देते हैं और अब बात करते हैं इस गाड़ी के केबिन की। तो सबसे पहले आपको मैं इंटीरियर थीम चेक करा दूं, तो ये देखिए ड्यूअल टोन इंटीरियर वेन्यू के सभी वेरिएंट्स में दिया हुआ है। रिसेंटली एक नाइट एडिशन भी दोस्तों इसमें आया, जिसका रिव्यू मैं जल्दी आपके सामने लाने वाला हूँ। सीटें चेक कर लीजिए, ये फैब्रिक मटेरियल में सीटें बनी हैं, हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट ये वेरिएंट कवर करता है। इसके अलावा अगर हम चाबी की यानी की बात करते हैं, तो देखिए इसमें आपको एक तो मैनुअल की मिलेगी और एक रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की है, लॉक अनलॉक बूट ओपनर बटन है, और इस तरीके की फ्लिप की आपको इसमें देखने को मिल रही है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा डोर पैनल्स की, जिसमें चारों पार विंडोज हैं। ड्राइविंग साइड का विंडो वन टच डाउन और वन टच अप विद ये देखिए एंटी पिंच फीचर के साथ दिया हुआ है। आउटसाइड मिरर्स दोस्तों इस गाड़ी के मैनुअल हैं। इसके जो SX वेरिएंट आता है उस वेरिएंट से इस गाड़ी के मिरर्स जो हैं
वो इलेक्ट्रिक फोल्डिंग होने लगते हैं। लेकिन SX वेरिएंट में दोस्तों टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं दिया हुआ है। SX ऑप्शनल वेरिएंट जो उसके ऊपर वाला वेरिएंट आता है उसमें जो है टर्बो पेट्रोल इंजन भी आता है और उसमें इलेक्ट्रिक फोल्डिंग मिरर्स भी दे रखे हैं। इसके अलावा इस साइड पे स्पीकर्स वाटर होल्डर को लगाने का स्पेस दिया हुआ है। बैक सीटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, इस साइड पे भी स्पीकर्स लगे हैं और वाटर्स को लगाने का स्पेस मिलेगा। बाकी पीछे की सेटिंग्स चेक कर लीजिए जिसमें अभी कुछ ही टाइम पहले चेंजेस हुए। इसमें 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सेंटर पे 3-point सीट बेल्ट, और इसके अलावा इसमें जो है यहाँ पे चेक करिए तो सीट्स रिक्लाइनर भी हो गई हैं। एक पोजीशन पे ये सेट है, इसके अलावा ये देखिए हल्की सी ये पीछे की तरफ चली गई, तो यहाँ पे इतना पीछे जाने से थोड़ा बहुत कंफर्ट लेवल इसका बढ़ गया। बाकी इस साइड पे देखिए तो आइसोफिक्स सीट्स की यहाँ पे मार्किंग आप चेक कर सकते हैं। पीछे की सीट पे जब बैठेंगे तो पीछे के पैसेंजर्स के लिए कंफर्ट को बढ़ाने के लिए जल्दी पीछे का हिस्सा ठंडा हो उसके लिए देखिए यहाँ पे रियर AC वेंट और नीचे की तरफ यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग के लिए 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाएंगे। बाकी स्पेस वाइज बात करते हैं तो देख लीजिए इतना लेगरूम आपको हुंडई वेन्यू मिलेगा। मेरी हाइट है 5'8", जैसे मैं गाड़ी को ड्राइव करता हूँ उस हिसाब से मैंने सीटों को सेट किया हुआ है। और यहाँ पे स्पेस आप देख लीजिए, और अगर थाई सपोर्ट की बात करते हैं तो हुंडई वेन्यू में अच्छा थाई सपोर्ट मिलता है। ऊपर साइड दिखाते हैं तो ग्रिप्स फिक्स टाइप हैं। सेंटर पे यहाँ पे आपको एक अकेली केबिन लाइट मिलेगी। इसमें देखिए तो आगे की तरफ कोई भी लाइट नहीं है, यानी यही लाइट पीछे भी रोशनी देगी और यही लाइट आगे भी केबिन को रोशनी देगी। चलिए अब निकलते हैं गाड़ी से बाहर, यानी पीछे की सीटिंग से बाहर, और बैठते हैं ड्राइविंग सीट में। एक्सप्लोर करते हैं क्या कुछ आपको मिलेगा हुंडई वेन्यू S ऑप्शनल टर्बो पेट्रोल इंजन IMT ट्रांसमिशन पे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ट्रांसमिशन दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। ये मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं है, ये मैनुअल जैसा ट्रांसमिशन है, क्योंकि इसके जो गियर्स हैं ये 6-speed मैनुअल हैं। लेकिन अगर आप इसके पैडल्स को चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट दिखेगा। इसमें एक्सलेटर है, ब्रेक है, जो है क्लच पैडल दोस्तों रिमूव कर दिया गया है। इसमें ऑटोमेटिक क्लच काम करता है, यानी आपको क्लच पैडल को दबाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंट्रोल करना है एक्सलेटर को, ब्रेक को। क्लच अपने आप कंट्रोल होगा लेकिन गियर्स को आपको मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी क्या करना है इस गाड़ी पे, आपको गियर्स लगाने हैं कुछ इस तरीके से जैसे हम मैनुअल गियर्स लगाते हैं और गाड़ी को चलाते रहना है। जिसमें दोस्तों ऑटोमेटिक क्लच है, यानी क्लच का जो काम है वो इस गाड़ी में एक एक्चुएटर यूज़ किया गया है वो करता है, वो सेंस करता है कब क्लच को एंगेज करना है कब डिसएंगेज करना है। बहुत ही इजी ट्रांसमिशन है, एक तरीके से कह लीजिए कंफर्ट जो है वो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला मिलता है, और गियरिंग जो है वो इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन वाली मिलती है। इस गाड़ी का मैंने एक रिव्यू किया हुआ है, ड्राइव रिव्यू किया हुआ है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा किस तरीके से इस ट्रांसमिशन को ड्राइव करना है। और दोस्तों बहुत ईजी है, मतलब गियर चेंजिंग के टाइम पर कहीं पर भी आपको जर्क्स वगैरह नहीं आएंगे, ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि ये गाड़ी जो है अपने आप क्लच को एंगेज और डिसएंगेज कर रही है। बहुत ही इजी तरीके से इस गाड़ी को आप चला सकते हैं। तो ये है इस गाड़ी के खासियत, और इसमें जैसे हम रिवर्स गियर लगाएंगे तो जो इसका म्यूजिक सिस्टम है उसमें आ जाएगा पीछे का कैमरा। ये देखिए रिवर्स पार्किंग कैमरा है जिसमें गाइडलाइंस दी हुई है। ये गाइडलाइंस स्टीयरिंग अडैप्टिव है, स्टीयरिंग मूवमेंट के साथ ये गाइडलाइंस मूव भी करती हैं, तो काफ़ी करेक्ट आइडिया देती हैं इस गाड़ी को जब हम करते हैं बैक। अब इस बात करते हैं कुछ फीचर्स की, तो दोस्तों 8-inch का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। इसमें इनबिल्ट नेविगेशन नहीं है, तो इन एप्लीकेशन के थ्रू आप जो है फ़ोन के नेविगेशन को इसमें चला सकते हैं। इसमें दोस्तों वीडियो प्लेबैक नहीं दिया हुआ है, 4 स्पीकर्स और 2 ट्यूटर्स के साथ ये सिस्टम आता है। इसके अलावा फर्दर नीचे चेक करिए तो इसमें आपको मैनुअल AC यूनिट मिलेगी। इस साइड पे भी एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, और इधर तरफ देखिए 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट और पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है। इस तरफ कुछ आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे, आगे की तरफ एक आर्मरेस्ट है, ओपन करिए तो अंदर तरफ बॉक्स दे रखा है। इसके अलावा इधर की तरफ की स्पेस दिखा देता हूँ, बॉक्स है जिसमें कूलिंग फीचर आपको इस वेरियंट पर नहीं मिलेगा। चलिए अब थोड़ा सा स्टेयरिंग की बात करते हैं, तो स्टेयरिंग पे लेफ्ट हैंड साइड पे ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स हैं। राइट साइड पे चेक करिए तो यहाँ पे ये 3 बटन दोस्तों दे रखे हैं इसमें इंस्ट्रूमेंट पैनल के लिए, और उसके बगल में जो ये 3 बटन दिए हुए हैं ये हैं इसमें क्रूज़ कंट्रोल। दोस्तों ये वेरियंट क्रूज़ कंट्रोल भी कवर करता है, तो भी अच्छा फीचर है जो मिल जाता है S ऑप्शनल IMT वेरियंट पे। स्टेयरिंग एडजस्टेबल है, अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग टिल पोजिशन पर इसको सेट कर सकते हैं। हेडलैम्प्स के लिए देखिए यहाँ पे ऑटो फीचर भी दिया हुआ है, अगर आपने इसको ऑटो मोड पे कर दिया तो हेडलैम्प्स डार्कनेस को सेंस करेंगे, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। इसके अलावा सेफ्टी की बात करते हैं तो काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स दोस्तों इस गाड़ी में अभी हाल में ही ऐड किए गए। देखिए एक एयरबैग यहाँ पे है,
एक एयरबैग इस साइड पे, यानी फ्रंट में डुअल एयरबैग्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम चेक करेंगे तो इसकी फ्रंट की सीटों में यहाँ पे भी देखिए साइड एयरबैग्स दे रखे हैं, टोटल 4 एयरबैग्स ये गाड़ी कवर करती है। इतना ही नहीं, यहाँ पे जब चेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ट्रैक्शन एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल वाले फीचर्स भी इसमें दिए हुए हैं। हिल असिस्ट कंट्रोल मिल जाता है, ब्रेक असिस्ट सिस्टम दे रखा है, और इस साइड पर देखिए तो आइडल स्टॉप एंड गो वाला फीचर भी इसमें दिया हुआ है। अगर आपने इसको ऑन करके रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ए लिखकर आ रहा है, गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी जब हम ब्रेक को दबा के रखेंगे। ट्रैफिक पे खड़ी हुई है तो यहाँ पे गाड़ी बंद रहेगी, जैसे हम ब्रेक को रिलीज़ करेंगे वापस से स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से फ्यूल की बचत होती है। डिजिटल क्लस्टर दिया हुआ है जिसमें इंफॉर्मेशन जब हम स्विच करेंगे तो देखिएगा इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन टाइप भी आता है, हर व्हील का प्रेशर ये यहाँ पे शो करता है। शिपिंग मोड का मतलब हो गया गाड़ी की बैटरी कितनी चार्ज है वो दिखा रहा है। इस साइड पे जो बटन से रखे हैं इनसे हम इंफॉर्मेशन को स्विच करते हैं, रीसेट करते हैं, चेंज करते हैं, और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें चेक कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऊपर साइड, तो देखिए इसमें डे नाइट फीचर वाला ये मिरर दिया हुआ है, और सन वाइजर्स के बैक साइड पे देखिए वैनिटी मिरर है, और ड्राइविंग साइड पे जो है वो देखिए यहाँ पे सिर्फ टिकट होल्डर है। और इस साइड पे देखिए IMT यानी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन के इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं कि किस तरीके से आपको गाड़ी को ड्राइव करना है। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है इस गाड़ी को चलाने में, सिर्फ आप गियर बदलिए और देखिए गाड़ी ईजिली चलती रहती है। तो दोस्तों ये है वेन्यू एस ऑप्शनल IMT ट्रांसमिशन। क्या क्या फीचर्स मिलते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। IMT ट्रांसमिशन में कई सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो मैनुअल ट्रांसमिशन पे जब हम कापा यानी इसमें 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन आता है उसको लेते हैं तो उससे ये गाड़ी के फीचर्स अलग है। रियर वाइपर अलग है, व्हील्स का साइज अलग है, व्हील्स की डिज़ाइन अलग है, ट्रांसमिशन काफ़ी एडवांस दिया हुआ है, क्रूज कंट्रोल भी इसमें मिल जाता है, इस तरीके के कई सारे फीचर्स, और साथ में पावरफुल पेट्रोल इंजन जो कि 120 PS का पावर जनरेट करता है। कापा इंजन जनरेट करता है मात्र 83 PS का, तो देखिए उस गाड़ी से ये गाड़ी कितनी ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों Hyundai Venue S ऑप्शनल टर्बो IMT के बारे में सारी जानकारी देने के बाद अब आप बताइए कैसे लगा ये वेरियंट। साथ में दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। पसंद आया है लेकिन आपने अभी तक कार्तिकीन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बार जाने से पहले फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।